गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. नाउ दिस इज द क्लास ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द सेंटेंस. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? सो फ्रॉम हियर वी स्टार्ट रीडिंग. ए, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड. मीन्स यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, इन्हें हमें रीड करना है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1. रीड विद मी यू ऑल. मीन्स स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड विद मी. लीडर आवर वॉज शी. सेकेंड, वेल वेरी इंग्लिश स्पीक यू. थर्ड, यस्टरडे देयर वेंट वी. फोर्थ, लीडर फेमस वेरी आवाज पंडित जवाहरलाल नेहरू. दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वी हैव रेड. नाउ रीड दिस लाइन दैट विच वन हैज रिटन विद डार्क. दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस. यहाँ पे जो भी हमने शब्द पढ़े हैं, जो वर्ड्स पढ़े हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ा है, इनसे हमें कोई भी सेंस नहीं मिल रहा है. लीडर आवर वॉज शी, इससे हमें कोई सेंस मिल रहा है? नो. बट नाउ रीड द फॉलोइंग. लेकिन अब हमें नेक्स्ट सेंटेंसेस को रीड करना है. नंबर 1, शी वॉज आवर लीडर. वह हमारी लीडर थी. सेकेंड, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. तुम इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हो. थर्ड, वी वेंट देयर यस्टरडे. हम वहाँ कल गए थे. फोर्थ, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी फेमस लीडर. मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही ज़्यादा फेमस लीडर थे. यू कैन सी स्टूडेंट्स दैट द अबव सेंटेंसेज आर रिटन इन जंबल वर्ड विच आर नॉट प्रोवाइडिंग द सेंटेंस मीनिंग. बट हेयर इन्हीं सेंटेंसेस को यहाँ पे अरेंज करके प्रॉपर लिखा गया है, तो हमें यहाँ पे सेंस मिल रहा है. जैसे पहले की मैंने लीडर आवर वॉज शी, यहाँ पे हमें कोई सेंस नहीं मिल रहा. बट इसको सिक्वेंस में लिख दिया गया है, शी वॉज आवर लीडर, तो हमें एक प्रॉपर सेंस मिल रहा है. सो दीज आर द सेंटेंसेस. सेकेंड वन यहाँ पे रिटन है, वेल वेरी इंग्लिश स्पीक यू. बट दिस इज नॉट प्रोवाइडिंग अ सेंटेंस, हमें यहाँ से कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है. सो इसी को यहाँ पे अरेंज करके लिखा गया है, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. तुम इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हो. नाउ वी आर गेटिंग द सेंस इन अ सेंटेंस. थर्ड इज रिटन, यस्टरडे देयर वेंट वी. दिस इज नॉट प्रोवाइडिंग अ सेंस, लेकिन इसी को अरेंज कर दिया गया है. वी वेंट देयर यस्टरडे. हम कल वहाँ गए थे. हम वहाँ गए थे कल, तो हम हमें पता चल रहा है कि हम बता रहे हैं कि हम कल वहाँ पर गए थे. फोर्थ इज रिटन, लीडर फेमस वेरी अवॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू. नॉट प्रोवाइडिंग अ कम्प्लीट सेंटेंस, बट यहाँ पे लिख दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ वेरी फेमस लीडर. और यहाँ से हमें अब प्रॉपर मीनिंग मिल रही है. वी आर गेटिंग द प्रॉपर सेंस फ्रॉम दी सेंटेंसेस. आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग मोर स्टूडेंट्स. शी वॉज अवर लीडर. शी इज सब्जेक्ट. ओके, एंड रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस प्रेडिकेट. बट कैन यू टेल वॉट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? सब्जेक्ट इज अ थिंग वेन वी स्पीक अबाउट. ओके, बट प्रेडिकेट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. बट प्रेडिकेट क्या होता है? कि हम उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं. जस्ट इन वन एग्जाम्पल, शी वॉज अवर लीडर. वह हमारी लीडर थी. यहाँ पे शी की बात कर रहे हैं, कोई गर्ल है, कोई वुमेन है, शी की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे शी क्या हो गया? सब्जेक्ट. लेकिन उनके बारे में क्या बता रहे हैं? कि वह हमारी लीडर थी. वॉज अवर लीडर इज प्रेडिकेट. सेम इन सेकेंड सेंटेंस ऑल्सो, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. यू इज सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रेडिकेट. इन थर्ड, वी वेंट देयर यस्टरडे. हम वहाँ कल गए थे. कौन गया था? अपने बारे में बता रहे ना कि हम गए थे. वी इज सब्जेक्ट एंड रेस्ट सेंटेंस इज प्रेडिकेट. इन फोर्थ, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसकी बात कर रहे हैं? कौन फेमस लीडर था? कौन बहुत ज़्यादा फेमस लीडर था? पंडित जवाहर लाल नेहरू. तो ये सब्जेक्ट है, बाकी सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. एंड वन थिंग मोर, वन पॉइंट इज देयर दैट यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स.
whenever we are writing a sentence, it always follow a rule of subject verb agreement. Means जब कभी भी हम किसी sentence की बात करते हैं तो उसमें subject verb object ज़रूर होगा. Okay? Because this rule will help us to rearrange the sentences if there is given a jumble word. The above sentences are providing the complete sense. So, see what it is written. Now, these group of words make complete sense. ये जो यहाँ पे four दिए हुए हैं हमारे group of words, ये complete sense provide कर रहे हैं. Now, read this box. A sentence is a group of words that makes complete sense. जो sentence होते हैं वो शब्दों का समूह होते हैं जो proper complete meaning provide करते हैं बेटा. This is a define of sentence which is written in a box. I will repeat it again. A sentence is a group of words that makes complete sense. शब्दों का वह समूह जो हमें कंप्लीट मीनिंग सेंस प्रोवाइड करता है वो सेंटेंस होता है. सो दिस वॉज द चैप्टर नंबर 2. नाउ वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.